सर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है स्टडी ब्लॉक के साथ, मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फीडबैक शेयर करने वाला हूं और अपना ओन फीडबैक शेयर करने वाला हूं आईसीआईसी बैंक का। कल मेरा जो था ERM का इंटरव्यू था, तो ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक है, ERM के लिए कैसे अप्लाई करते हैं आईसीआईसी बैंक में, या और भी जो पोस्ट निकलती हैं उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, है ना? जितने तो ERM के लिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए या लेस देन 1 ईयर भी चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर हो। और एक्सपीरियंस आपका सेल्स में हो या फिर आपका किसी भी IT फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक देने वाला हूँ ERM। ERM मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर का जो इंटरव्यू था ICICI बैंक में। देखिए, सबसे पहले अप्लाई कैसे किया मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ICICI बैंक का अपना करियर पोर्टल है, ICICI बैंक, है ना, .career.com पे जाइए। वहाँ पे आपको अपनी ID बनानी है, अपना मेल वगैरह डाल के ID बना लीजिए, ID जनरेट कर लीजिए। ठीक है, ID बनाएंगे वहाँ से, फिर आपको सब कुछ अपना ID वगैरह बना के सब देखने लगेगा कितनी जॉब्स आ रही हैं, कितनी हायरिंग वो लोग कर रहे हैं। जॉब्स में जाइए, जो आपको सूटेबल जॉब है, जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, या फिर जो आपके मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब है, उस जॉब पे आप जाके जाएंगे वैकेंसी पे। ठीक है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं कर दीजिए अप्लाई। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अगर आपका जॉब मतलब रिज्यूम में स्किल्स वगैरह सब उनके जॉब से मिलती हैं जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं, तो वो आपको मेल बैक करेंगे। ठीक है, मेल बैक आपका आ जाता है और समथिंग 15 दिन के बीच में मेल बैक आ जाता है। ठीक है, मेल बैक आता कब है, एक चीज़ याद रखती है, जब वो हायरिंग करते हैं तो आपके रिज्यूमे या CV में उनके अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो उस जॉब के लिए आपको रखते हैं। और फ्रेशर की लाइन में भी वो लोग रखते हैं, ठीक है, फ्रेशर को भी हायर करते हैं PO वगैरह के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम ERM की बात कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर की। तो मेल बैक आया था मेरा, वो 15 दिन के अंदर आ गया था, रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया था, एप्टीट्यूड टेस्ट रहा मेरा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं पास हुआ। उसके बाद फिर मेरा जो है GD के लिए एक मेल बैक आया, जिसमें कि मैं GD मेल बैक में आया था मेरा ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, GD एंड उसके बाद PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू। तो एक डेट देते हैं वो लोग, फिक्स डेट देते हैं GD की, और उसी दिन आपका PI रखते हैं। लेकिन ई रिलेशनशिप मैनेजर में ऐसा था कि GD नहीं हुआ इस बार। इस बार उन्होंने क्या करा, सीधा जिन जिनके रिज्यूमे CV में एक्सपीरियंस ऐड था या जिनकी स्किल्स अच्छी थी, MBA कोर्स था, टेक्निकल कोई अच्छा कोर्स था, तो उनको ही सीधा उन्होंने रिज्यूमे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने बाद मेल बैक किया मुझे। मेल बैक करने के बाद आफ्टर सम टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। एप्टीट्यूड मैंने जो टेस्ट था पास कर दिया। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है रिजल्ट आया कॉन्ग्रेचुलेशन का, देन उसमें ही लिखा था पर्सनल इंटरव्यू का डेट वगैरह सब। तो उन्होंने डेट दे दी थी पर्सनल इंटरव्यू की, और पर्सनल इंटरव्यू की जैसे मुझे डेट मिली तो मेरा इंटरव्यू कल था। ठीक है, कल 2 बजे से 4 बजे के बीच में मुझे बेबैक्स एक ऐप है उसको डाउनलोड करके उस पर मेरा इंटरव्यू था, जो कि ICICI बैंक के साथ कोलाबरेट होगा या उनका अपना ऐप है, डजेंट मैटर। तो वेबैक्स पर मेरा इंटरव्यू था 2 से 4 के बीच में। 2 बजे मुझे लॉग इन करना था। ठीक है, 2 बजे मुझे वेबैक्स पर जाना था, वहाँ पे फेस टू मतलब जो है ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो 2 HR थे। जैसे ही मैं कल 2 बजे लॉग इन किया, PI रूम में पहुंचा, पर्सनल इंटरव्यू रूम में, वहाँ से फिर मेरा नाम वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने एक सबमिट किए। ठीक है, और एक आपका होता है क्वेश्चनर, उनके 2 क्वेश्चनर सेट होते हैं जिसको बोलते हैं OPQ। ठीक है, ये इसका जो होता है ये है ना पर्सनैलिटी क्वालिटी का आपका टेस्ट होता है। ठीक है ना, अपनी पर्सनैलिटी क्वालिटी के बारे में आप कितना जानते हैं, 2 होते हैं। पहला आपको शुरू में ही देना होता है, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं वो उसमें पास कर जाते हैं, उसी दिन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, करंट रिज्यूमे सबमिट करना होता है, और एक OPQ टेस्ट देना होता है। सेकेंड, जब आपका PI होता है
तब आपको ओपीक्यू टेस्ट देना होता है सेकंड। दोनों ओपीक्यू टेस्ट मेरे कल हुए, देन उसके बाद पीआई रूम के बाद मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजा गया, जिसमें कि दो एचआर थे हमारे, तो एक जो एचआर थे वो ह्यूमन रिसोर्स के थे, ठीक है, मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स मेन मैनेजमेंट जो होता है, जो कि बच्चे की आपकी स्किल्स चेक करता है, पर्सनैलिटी चेक करता है, ओवरऑल ये सब चीज़ें। और एक जो थे वो हमारे थे मतलब आप कह लीजिए सेल्स के हों या कोई मैनेजर सर थे, बड़े होंगे जो आई डोंट नो अबाउट दिस, तो दो लोग थे। तो सबसे पहले मेरे से पूछा गया, वही नॉर्मली अब अपने बारे में बताइए, आपने क्या स्टडी में किया, ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस है, ये सब दिस डैट। उसके बाद कि ए रिलेशनशिप मैनेजर होता क्या है, क्या काम रहता है, मतलब जो आपकी ई रिलेशनशिप मैनेजर जो जॉब के लिए आपने डाला उसके बारे में आपको पता कितना है, उसके बारे में पूछा, और एरिया वगैरह के बारे में पूछा कि इतना टाइम क्या कर रहे थे, ये वो, वहाँ से क्यों रिज़ाइन किया, ये वो, बहुत सारे क्वेश्चन थे। देन उसके बाद उन्होंने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस उन्होंने ERM के बारे में जानना चाहते थे, मुझे कितना पता है, क्या काम रहता है, कितने घंटे काम रहता है या कितने घंटे रहेगा, तो ये सब चीज़ें थी। देन उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो अभी तो खैर रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था ERM का। ERM बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर का काम ये होता है कि आपको कम से कम 9 घंटे से 10 घंटे आपको जॉब करना है, कॉलिंग पे आपको कस्टमर्स के सारी क्वायरी सॉल्व करनी है, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना है, आपके नए कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं, उन सब के लिए बताना है, पर डे कम से कम 60 से 70 कॉल आपको करनी है, तो ये सब काम रहता है ई रिलेशनशिप मैनेजर का। फिलहाल तो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ना PO का ही रिजल्ट आया है इनका और ना अभी ERM का, लेकिन हाँ ओवरऑल इंटरव्यू PI तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी का रिज्यूमे ये लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, और रिज्यूमे सिलेक्ट होने के बाद भी आप कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, स्किल्स कहते हैं या माइंड सेट कहता है, वो सब चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप ICICI बैंक या किसी भी बैंक का इंटरव्यू देते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा प्रोफेशनल वे में इंटरव्यू देना है, टाई लगानी है, एक ब्लेज़र आपको पहन के रखना है, ठीक है, अगर ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं फिर भी आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म होना चाहिए गाइस, ठीक है, तभी वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि ये फॉर्मल हैं या नहीं है। बहुत से बच्चे वो टी शर्ट वगैरह पहन के दे रहे हैं, तो वो वैसे ही मतलब इंटरव्यू तो लेंगे लेकिन सिलेक्ट नहीं करते, बहुत कम जगह ऐसा होता है। तो मैं कहूँगा एक प्रोफेशनल वे बना के आप इंटरव्यू दीजिए, जैसे ही कल मैंने दिया था, ये ब्लेज़र था और अंदर शर्ट पहना हुआ था, बाकायदा पूरा फॉर्मल वे था, जो कि उनको अच्छा लगे, ठीक है। और फिर नॉर्मली तो आपको देखिए ERM के लिए क्या करना है, या फिर PO या ICICI बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, उनके करियर पोर्टल पे जाइए, प्रोफाइल बनाइए, सेकंड आप प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपना वहाँ पे अपनी डिटेल ऐड कीजिए, रिज्यूमे ऐड कीजिए, करंट जो एजुकेशन किया है वो सब ऐड कीजिए, कौन से सर्टिफिकेट है वो भी ऐड कर दीजिए, कितना एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए, जो भी वहाँ पे फिर सारी वैकेंसी आपको वहीं उनके करियर पोर्टल में देखेंगे, जो वैकेंसी आपसे रिलेवेंट है उस पर जाके अप्लाई कर दीजिए, मेल बैक आएगा, तो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह तो वो हर किसी का ही लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसको पास करिए, ठीक है, उसको पास करने के बाद आपको मेल बैक फिर आता है, मेल बैक में आपका आएगा कि आपका इंटरव्यू या GD है, ये ओवरऑल आता है। तो मतलब ICICI बैंक में ओवरऑल इंटरव्यू तक पहुंचना ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी नॉर्मल होता है, वो सब आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं, माइंड सेट, स्किल्स कैसी है, बच्चा कितना स्ट्रांग है, तो कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा, वो सब चीज़ें आपकी चेक करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। देन उसके बाद PI में भी सेम लाइक आपके बारे में पूछेंगे, आपके मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, आपको देखेंगे कि बच्चे का पर्सनैलिटी कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, बच्चा कहीं रुक तो नहीं रहा है। देखिए आप कोई भी बैंक का इंटरव्यू देते हैं, आप इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा आज के स्टडी ब्लॉग में, तो आज का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ERM का जो था बहुत अच्छा रहा। देखिए PI तक पहुँचना, PI क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, तो अभी रिजल्ट का वेट है, तो देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है, लेकिन ओवरऑल मैंने अपनी तरफ से 100% अच्छा इंटरव्यू दिया, उन लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। बट हाँ ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि आप इस तरह से ICICI बैंक में अप्लाई करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन पूरा आप पे डिपेंड करता है, फिर है ना सिलेक्शन हो जाता है, फिर तो सैलरी अच्छी है ERM की,
बहुत अच्छा पैकेज देते हैं भाई आईसीआईसी बैंक वाले। और चाहे पीओ की जॉब में जाना, चाहे ईआरएम, चाहे मैनेजर, जिस भी जॉब में आप जा रहे हैं, उनके सैलरी पैकेज अच्छे रहते हैं। और एक अच्छे ब्रांड के साथ आप काम करेंगे, है ना, प्राइवेट बैंक है और हमारे इंडिया की बहुत बड़ी जानी मानी बैंक है, तो अच्छी बात है ना। तो मैं यही कहूँगा, आईसीआईसी बैंक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने एमबीए कोई टेक्निकल कोर्स किया है, तो आप पहले करियर पोर्टल पर जाके प्रोफाइल ज़रूर बनाइए। और हाँ, किसी भी मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, तो उनके करियर पोर्टल पे जाके ही अपना प्रोफाइल सेट करें। उनके वैकेंसी, जो मेन वैकेंसी करियर पोर्टल पे आती हैं, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जॉब देखें, अप्लाई करें, तभी आपका नंबर आ पाएगा। ऐसे आप देखते रहेंगे तो नहीं। तो ये था ओवरऑल मेरा आईसीआईसी बैंक का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, फीडबैक कि ओवरऑल बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन आप कभी भी, आप अगर देते हैं ना इंटरव्यू आईसीआईसी बैंक में, तो मैंने तो 3 बार दिया हुआ है, 2 बार पीओ का दिया हुआ, रिजल्ट नहीं आया। ईआरएम का भी वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। बट लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 2 HR रहते हैं, ठीक है, वो इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इतनी बड़ी बैंक में वर्क कर रहे हैं, तो उनका माइंड सेट कैसा है, एटलीस्ट क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इससे आपकी ना जो झिझक होती है ना, वो भी कम होती चली जाती है। आप अच्छे अच्छे इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गाइस, ज़्यादा बड़ी वीडियो में नहीं कहूँगा। लेकिन आईसीआईसी बैंक में ईआरएम का काम बहुत होता है, बहुत कुछ पूछा था इन 10 मिनट में। इंट्रोडक्शन तो कम पूछा ज़्यादा कि ईआरएम के बारे में, कैसे कस्टमर से अच्छे रिलेशन रखते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे क्वारीज सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ पूछा 10 मिनट में। तो ओवरऑल उनको अच्छा लगा, क्योंकि आपका मतलब आपकी जो है ना कम्युनिकेशन और आपकी जो बिलीव पावर, आपकी जो स्ट्रांगनेस है, वो कम नहीं होनी चाहिए। एचआर के सामने अच्छे से बोलिए, क्लियर बोलिए, उनको समझ आए, तो वो चांस दे सकते हैं, आपको रख भी सकते हैं। वो सारा उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आईसीआईसी बैंक का सब कुछ अच्छा रहा, अब सिर्फ रिजल्ट का वेट है। रिजल्ट क्या रहता है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा सेलेक्ट हो जाता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट भी पास कर लेता हूँ, जिसमें मैथ वगैरह सब आता है। तो उसके बाद पीआई तक पहुँच जाता हूँ, पीआई भी अच्छे से देता हूँ, सारे इनके टेस्ट पास किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो बिल्कुल झिझक ख़त्म हो गई है। तो अब देखते हैं ये ईआरएम में नंबर आता है या नहीं आता है, लेकिन अच्छा था और एवरीथिंग। तो ये मैंने ब्लॉग आपको शेयर इसी वजह से किया है कि आप कभी भी आईसीआईसी बैंक में जाते हैं, तो आपको पता रहे कि कैसे हायरिंग वगैरह होती है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे इस बैंक में पहुंचना है, कितने एचआर रहने वाले हैं ना, कितना क्या। तो ये सब ओवरऑल ना, ये बैंक ऑर्गेनाइजेशन सबका एक्सपीरियंस है यहाँ पे ब्लॉग में आपको मिलता रहेगा मेरे थ्रू, क्योंकि मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस होता है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, डियर स्टूडेंट, जूनियर्स जो भी हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आईसीआईसी बैंक में। अगर आप जाना चाहते हैं किसी और बैंक में, तो इसी तरीके से उनके मेन करियर पोर्टल पर जाइए, अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से चांस मिल सकते हैं आपको, सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो चलिए यार, और ऐसे स्टडी ब्लॉग इन्जॉय करते रहिए, देखते रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं फ्यूचर में। सो फिर से मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी कि हाँ इतने लोग जानना स्टार्ट कर गए। तो ऐसे ही आपको मैं अपना एक्सपीरियंस फीडबैक देता रहूँगा, कॉलेज के बारे में, हर मतलब स्टडी के बारे में, पूरा आपको एजुकेशन लाइन के बारे में गाइड करता रहूँगा, जो भी मुझे नॉलेज इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो चलिए गाइस, फिर से आप सब अपना ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।